वजन घटाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसे आहार ना खाएं जिससे आपका फैट और अधिक जमा हो जाए। आइए जानें हमारी आहार विशेषज्ञ प्रीति पुरी से कि वजन घटाते हुए कौन से आहारों से बचें। मसल मास बिल्डिंग जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसमें फैट की कमी से मसल मास बिल्डिंग होता है। इसमें हम सोया पनीर लोबिया दाल एंड वे प्रोटीन को यूज़ करके अपना मसल मास बढ़ा सकते हैं। सुबह उठ के हम दूध में या तो अंडा डाल के एग नॉक ले सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन एग शेक। उसमें शुगर फ्री डाल के अंडे को बीट करके वी कैन मेक एन एग शेक। अदरवाइज यू कैन हैव अ वे प्रोटीन का जो पाउडर मिलता है दूध में मिक्स करके वी कैन हैव वे प्रोटीन शेक। इट इज़ यूज फॉर मसल बिल्डिंग। उसके बाद लंच में सिंघाड़े का आटा होता है। इट हैज़ हाई कॉन्टेंट फॉर मसल मास के लिए। सिंघाड़े के आटे की रोटी लेके साथ में हम पनीर की सब्जी के साथ ले सकते हैं। पनीर की सब्जी में हाई प्रोटीन है एंड सिंघाड़ा इज़ वेरी गुड फॉर मसल बिल्डिंग। साथ में सैलेड सब्जी एंड दही। शाम को साबूदाने एंड आलू के कटलेट भी ले सकते हैं। जो लोग आलू नहीं डालना चाहते दे कैन पुट सोया चंक्स या सोया ग्रैन्यूल्स बॉइल करके साबूदाने के साथ मिक्स कर सकते हैं। साबूदाने में भी काफ़ी कंटेंट है जिससे मसल मास बिल्डिंग होता है। उसको आप या तो बेक कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में बना सकते हैं। साथ में आप जूसेस लीजिए। जूसेस जो आप लेंगे डैट शुड बी रिच इन बीटा कैरोटीन डैट इज़ पाइनएप्पल कैरेट एंड बीटरूट। उसमें आप थोड़ा सा अनार भी डाल सकते हैं। जूसेस से आपकी बॉडी की नर्व्स की आर्टरीज की क्लेंजिंग होती है, ब्लड प्यूरीफाई होता है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर मसल बिल्डिंग। टेक लॉट्स ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट वाटर लस्सी एंड जूसेस। साथ में डिनर पे यू शुड हैव लीन चिकन। लीन चिकन इन द फॉर्म ऑफ लाइक बॉइल्ड चिकन और फिश। यू कैन जस्ट पुट ब्लैक पेपर सॉल्ट एंड नींबू एंड हैव लीन चिकन विद लिटिल बिट ऑफ यू कैन हैव होल व्हीट पास्ता इफ़ यू आर गोइंग आउट। एंड अगर घर में लेना हो देन यू शुड हैव चपाती। इट शुड बी अ ब्रांड चपाती। उसमें आप थोड़ा सा बेसन कॉन्टेंट डाल सकते हैं क्योंकि बेसन में प्रोटीन होता है। आहार और पोषण के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।